जब भगवान श्री कृष्ण ने इक्ष्वाकु वंश के प्रख्यात वंशज मुचकुंद पर अनुग्रह किया, तब उन्होंने गुफा के अंदर भगवान की परिक्रमा की और बाहर आ गए। कंदरा के बाहर आने के पश्चात मुचकुंद ने देखा कि मानव जाति का आकार बहुत छोटा हो गया है, बौने हो गए, सब वामन हो गए। उसी भांति वृक्षों का आकार भी अति लघु हो गया है। इससे मुचकुंद को तत्काल ज्ञात हो गया कि वर्तमान युग कलयुग है। अतः अपना ध्यान विचलित किए बिना वे उत्तर की ओर यात्रा करने लगे। अंततः वे गंधमादन नामक पर्वत के समीप पहुंच गए। उस पर्वत पर चंदन तथा अन्य अनेक पुष्पों के वृक्ष थे, जिनकी सुगंध समीप आने वाले व्यक्ति को मुदित कर देती थी, आनंदित कर देती थी। उन्होंने आत्मसंयम तथा तपश्चर्या के लिए शेष जीवन गंध मादन पर्वत के क्षेत्र में निवास करने का निश्चय किया, बाकी जीवन पहाड़ के ऊपर रहेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्थान हिमालय की पर्वत श्रृंखला के उत्तरी भाग में स्थित है, जहाँ नर नारायण का धाम है। वह स्थान अभी भी है और बद्रिकाश्रम के नाम से विख्यात है। बद्रिकाश्रम में मुचकुंद इस भौतिक जगत के समस्त द्वंद, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इत्यादि, ये द्वंद का जगत है, जन्म मृत्यु, समस्त द्वंद का विस्मरण करके, सब द्वंद को भूल करके कि जगत में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है कोई मतलब नहीं, और श्री कृष्ण की उपासना में संलग्न हो गए। सुख मिल रहा है कि दुख मिल रहा है, मृत्यु आने वाली है कि नहीं आने वाली है, खाने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, घर है नहीं है, सब कुछ द्वंद सब एकदम भूल करके और बैठ गए कृष्ण की उपासना में संलग्न हो गए। और इधर श्री कृष्ण मथुरा नगर में लौट आए और उन्होंने काल यवन के सैनिकों से युद्ध करके उनका उद्धार कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने मृत शरीरों पर से मूल्यवान सामग्री एकत्र करवाई और बलशाली पुरुष उनके निर्देश से उस सामग्री को बैलगाड़ियों पर रखकर द्वारका ले आए। यहाँ पे कल की कथा को विश्राम मिला था, तो कल तक की जो 3 दिन की कथा हुई है उसमें क्या क्या शिक्षाएं प्राप्त हुई हैं और सार रूप में कथा कृष्णदास प्रभु जी सुनाएंगे। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो डे वन पहली हम लोग की कथा यहाँ से शुरू हुई थी, बहुत शॉर्ट में और सार रूप में देखेंगे कि कंस की, जब कंस की मृत्यु हुई तो दोनों रानियाँ उसकी जरासंध अपने पिता के साथ रहने आ गई। तो यहाँ पे एक बात आई थी कि
शोक ही मुख्य कारण था ये सब कुछ होने का, और शोक भी इसलिए था क्योंकि उसको अपनी बेटियों से आसक्ति थी। तो उसकी बुद्धि ने गलत डिसीजन ले लिया कि मैं कंस का पक्ष लूँगा और यदुवंशियों का नाश कर दूँगा। तो आसक्ति इतनी डेंजरस है कि शरणागत नहीं होने देती है, इसलिए मटीरियल अटैचमेंट से बचना है। और भगवान ने गीता भक्ति योग स्टार्ट करते ही बोल दिया कि मुझ में आसक्ति रखो, ऐसे बचा दिया हम लोग को। और उसके आगे उसने मथुरा पे आक्रमण किया, और भगवान ने वहाँ पे ये भी बात आई कि भगवान अपने भक्तों की चिंता कैसे करते हैं। उन्होंने सोचा कि मैंने अवतार क्यों लिया है यहाँ पे, और बलराम जी से उन्होंने बातें की। और दारुक की सेवा आई थी कि जब भगवान सोच रहे थे कि हाँ इस जरासंध को छोड़ के इसकी सेना को मार देना चाहिए, तो भगवान ऐसा सोच रहे थे तो उनके सेवक पहले ही रेडी हो गए थे पूरी अपनी आर्मी ला के। और बलराम जी को उन्होंने बताया कि हम लोग तो यहाँ पे दुष्टों का विनाश और अपने पुण्यात्मक भक्तों का रक्षा करने आए हैं, तो आइए अपने ध्येय को पूरा करते हैं। उसके आगे जरासंध ने भगवान कृष्ण का अपमान किया, उनको पुरुषाधम भी कहा, और कहना चाहिए था पुरुषोत्तम। तो यहाँ पे पुरुषोत्तम का मतलब बताया गया था कि भगवान को पुरुषोत्तम वेदों में इसलिए कहा गया है क्योंकि वो क्षण और अक्षर दोनों से अतीत हैं, यानी संसारी लोग और अपने धामवासियों दोनों के ऊपर ही हैं वो, इसीलिए वो पुरुषोत्तम है। और पुरुषाधम का भी महान विद्वान लोग मतलब बताते हैं कि जो सबको नीचा दिखा दे, तो भगवान तो ऐसा करते हैं सब लोग नीचे ही हैं उनके। और उसके आगे असुरों का स्वभाव आया था कि ये खुद में दोष ना देख के दूसरों में दोष देखते हैं, कि कंस का जरासंध ने कोई भी दोष नहीं देखा, बस कृष्ण को ही देख रहे कि यहाँ इसने अपने मामा का वध कर दिया है। और उसके आगे बलराम जी का भी उन्होंने अपमान किया, और फिर कृष्ण ने कुछ बोला जैसे उन्होंने बलराम जी का अपमान किया, भगवान ने ये क्लियर कर दिया कि किसकी बात सुननी चाहिए किसकी नहीं। उन्होंने बोला कि संसार तो दुखालय है, तो सबकी मृत्यु होने वाली है, अशाश्वत में इसलिए सबकी मृत्यु होने वाली है, और दुखालय है इसलिए सब लोग दुखी तो हैं ही, तो जो बहुत ज़्यादा दुखी है और बहुत ज़्यादा जिसकी मृत्यु होने वाली है उसकी बातों को नहीं सुनना चाहिए, ये जरासंध से उन्होंने बोला। तो ये भगवान ने क्लियर कर दिया, तो हम लोग के लिए हम लोग को बस भगवान की और अपने आचार्यों की बातें सुननी है। उसके आगे भगवान ने जरासंध की पूरी आर्मी का विनाश कर दिया, और जितने भी वो उनके ट्रेजर वगैरह था वो सब लेके उग्रसेन को दे दिया। इस प्रकार उन्होंने मथुरा की रक्षा की, और फिर पूरा फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया गया मथुरा में। देवताओं से हम लोग ने सीखा कि देवता कैसे सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल्स को, तो ये सीखने की बात आई। और जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया और पूरे टाइम फेल हो गया। उसके मित्र बार बार उसको मना लेते थे कि तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है, बस कुछ कहीं कहीं पे मिस्टेक्स हो गई इसलिए तुम हार गया, तो हाँ दुर्भाग्य था। उसके बाद एक बार कालयवन और जरासंध का आक्रमण करने का टाइम कोइंसाइड कर गया, इसलिए भगवान को थोड़ी चिंता हुई मथुरा वासियों के लिए, क्योंकि जरासंध वैसे इतनी बार हार चुका था तो वो कुछ भी कर सकता था, इसलिए उन्होंने एक दुर्ग का निर्माण किया और द्वारका नगरी बनी, और एक ही दिन में सारे द्वारका वासियों को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया, और इतना सुंदर द्वारका बनाया कि वहाँ पे कोई भी द्विपद जीव प्रवेश ही नहीं कर सकता था। और भगवान ऐसे फ्री हो गए क्योंकि अब उनके भक्त सेफ हैं, और अब वो जाके चिंता मुक्त होकर युद्ध कर सकते हैं कालयुगन से। तो ये यथामा प्रपद्यम थे, क्योंकि गोकुल वासियों ने भी भगवान के लिए अपना घर छोड़ा था, वैसे ही भगवान भी रेडी हैं अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए। उसके आगे ये बात आई कि सत्संग भगवान गए लड़ने कालयवन से, कालयवन को पूरी बातें आ गई नारद जी ने जो भी बताया था भगवान के बारे में, लेकिन उसमें कुछ भी प्रभाव नहीं आया, वो तब भी द्वेषी करता रहा भगवान से, तो उसने सत्संग नहीं किया था। तो यहाँ पे सत्संग की बात आई कि सत्संग वास्तव में है क्या। तो सत्संग दो शब्दों से बना है, सत मतलब सच्चा संत, सच्चा संत जो सारे वेद ज्ञान वेद और शास्त्रों का ज्ञान रखता हो, जैसे हम लोग की कन्फ्यूजन को मिटा सके, भक्ति वेदांत हो। और ये तो थ्योरी हो गई, और प्रैक्टिकल भी होना चाहिए कि वो उसके पास प्रेम है, जैसे डिस्ट्रीब्यूट कर पाए प्रेम को।
ये सच्चा संत है और इसका संघ करना है। संघ का क्या मतलब है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। संघ का मतलब है संतों की बात को 100% हृदय से स्वीकार करना कि उन्होंने जो भी बोल दिया वो करेंगे, एक शब्द में शरणागति। तो एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि मन बुद्धि के अंडर कंट्रोल में है, तो बुद्धि का यूज़ करके हम लोग को मन को कंट्रोल करना है और फोर्सफुली मन को लगाना है, क्योंकि हम लोग ने बहुत जगह फोर्सफुली मन को लगाया है, चाहे ऑफिस हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कोई भी जगह हो। तो वैसे यहाँ पे भी फोर्सफुली मन को लगाना ही पड़ेगा बुद्धि का यूज़ करके। तो भगवान की कृपा है कि बुद्धि को इतना पावरफुल बनाया है भगवान ने। तो गुरु की हर एक आदेश पे विभोर हो जाना, उनकी डांट, उनका जब हम लोग के दोष पॉइंट आउट करते हैं, हर चीज़ पे विभोर हो जाना, उनके आदेशों का संग करना, यही वास्तव में सत्संग है। तो काल यवन ने ये चीज़ की नहीं थी, वो तो शरणागत नहीं था, इसलिए वो द्वेषी किया भगवान से और पीछे दौड़ा दिया भगवान को। यहाँ से ये एक और बात है कि उसको अपने बल का अभिमान था, तो विद्या, कुल, धन, इन सब के मध्य से भगवान को नहीं पाया जा सकता, लेकिन भक्ति से अनायासी भगवान को पाया जा सकता है। उसको अपने बल का अभिमान था तो उससे तो भगवान मिलने ही वाले, सिर्फ भक्ति से ही मिलेंगे। दौड़ाते दौड़ाते वो गुफा में पहुंच गया। गुफा में एक व्यक्ति को सोते हुए देखा उसने, उसको लगा कि भगवान सो रहे हैं और वो वास्तव में राजा मुचुकुंद थे। उन्होंने वैसे वो युद्ध के लिए अधीर हो गया था, उसने तीव्र पदाघात किया राजा मुचुकुंद पे और राजा मुचुकुंद ने उसी समय उसको भस्म कर दिया। फिर परीक्षित महाराज बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हो गए, उन्होंने पूछा ये कौन थे, गुफा में क्यों सो रहे थे, इनके पास इतनी शक्ति कैसे कि काल यवन को भस्म कर दिया। तो सुखदेव गोस्वामी ने बताया ये राजा मुचुकुंद हैं, ये वैदिक सिद्धांतों का बहुत दृढ़तापूर्वक पालन करते हैं और परम वैष्णव हैं। ये लोग ये देवताओं की भी हेल्प करते हैं असुरों को मारने के लिए, एक नर राजा असुरों को मार रहा है। और भगवान कार्तिकेय ने देवताओं के कमांडर कार्तिकेय ने इनको वरदान दिया था। उन्होंने बोला, कार्तिकेय ने बोला था कि आप हम लोग की इतने टाइम से सहायता करते हैं निस्वार्थ होकर, आप ये आपने सारी अपनी महत्वाकांक्षाएँ त्याग दी हैं, आपका पूरा राज्य भी जा चुका है, क्योंकि देवताओं और यहाँ पृथ्वी पे टाइम का थोड़ा अलग चलता है, डिफरेंस होता है, तो उनका पूरा राज्य भी संबंधी लोग मर ही चुके थे, काल के ग्लास में बन चुके थे। तो उन्होंने वरदान बोला कि आप कुछ भी वरदान मांगिए, मुक्ति को छोड़ के वो तो सिर्फ मुकुंद ही देंगे। तो उन्होंने सोने का वरदान मांग लिया कि मुझे रेस्ट चाहिए, उनकी ये सोना भी इनके लिए एक तपस्या ही थी। तो यहाँ से बता दिए कि एक भक्त के लिए का सोना भी तपस्या है, क्योंकि वो रेस्ट करके भगवान की सेवा में ही लगने वाला है। उसके आगे फिर भगवान ने राजा मुचुकुंद को दर्शन दिया और राजा मुचुकुंद ने उनका परिचय मांगा कि आप हैं कौन, आपके चरण कमल इतने कोमल हैं, इतने झाड़ियों पत्थर हैं यहाँ पे, आप कैसे प्रवेश कर गए। तो उन्होंने सोचा कि एक सिद्धांत है कि कोई नीच पद वाला व्यक्ति उच्च पद वाले का परिचय नहीं मांग सकता जब तक खुद का परिचय ना दे, इसलिए उन्होंने अपना परिचय पहले देना उचित समझा। फिर उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं राजा मुचुकुंद हूँ, मेरे पिता का ये नाम है, मैं इस वंश का हूँ, आदि आदि। राजा मुचुकुंद ने इस प्रकार अपना परिचय दिया। उसके बाद भगवान ने फाइनली बोला, भगवान ने ये बोला कि मेरा तिरोभाव, आविर्भाव, चरित्र, इन सब का परिचय कुछ असंभव सा है, लेकिन अनंत शेष, अनंत काल से अपने अनंत मुखों से मेरा गुणगान करना है, तुम ये बात तो जानते ही होगे। और आगे भगवान ने बोला कि अनंत शेष तो इतने टाइम से मैं गुणगान कर ही रहे हैं, लेकिन अभी के लिए तुम इतने ज़्यादा उत्सुक हो जानने के लिए, इसलिए मैं तुमको बताता हूँ। मैं यहाँ पे नर लीला कर रहा हूँ और आसुरिक सिद्धांतों का विनाश करने के लिए और धार्मिक सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, और तुमको अगर मुझसे कुछ भी वरदान है, तुमको वरदान देता हूँ, तुमको जो चाहिए वो मांगो। राजा मुचुकुंद बहुत ज़्यादा हर्षित हो गए इस बात पे और उन्होंने जगत की स्थिति का वर्णन करना शुरू कर दिया कि सब लोग यहाँ पे बहिर्मुख हैं, इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, इसलिए आपकी चरण कमलों की भक्ति करने के लिए अनिच्छुक रहते हैं। तो जगत की स्थिति का वर्णन किया कि यहाँ पे तथाकथित सोसाइटी, फ्रेंड, लव, ये सब अंधकूप के समान है। और इसी में अपनी विनम्रता का भी वर्णन किया कि मैं इससे अलग नहीं हूँ, मैं भी इसी का पार्ट हूँ। तो भक्त कितना ज़्यादा विनम्र होता है भगवान से मिलते समय, ये चीज़ राजा मुचुकुंद ने दिखाई।
उसके आगे उन्होंने भौतिक जगत की जटिलता का वर्णन किया कि यहाँ पे सब लोग आनंद के लिए श्रम करते हैं, शॉर्ट में सब लोग आनंद के लिए श्रम करते हैं, लेकिन किसी को भी आनंद प्राप्त नहीं होता है। उसके आगे राजा मुचकुंद ने अपनी विनम्रता इस तरह दिखाई और भौतिक जगत की जटिलता का वर्णन किया, और सबसे इम्पोर्टेंट बात आई अनुग्रह कि भगवान का विशेष अनुग्रह है कि जब वो अनुग्रह करते हैं तो शुद्ध भक्त की संगति देते हैं, और शुद्ध भक्त की संगति से जो भी जिसको भी संगति मिल रही है वो अट्रैक्ट होकर भगवान के प्रति प्रेम को विकसित कर लेता है। इस प्रकार उन्होंने स्तुति की भगवान उनकी, और भगवान ने फिर रिप्लाई भी किया कि मैं तुमको अपना विशेष वरदान देता हूँ, तुम ये सेवा और किसी का चिंतन नहीं करोगे। वास्तव में ये परीक्षा थी कि मुझे देखना था कि तुम कितने ज़्यादा विरक्त हो भौतिक जगत से। भगवान को आश्चर्य भी हुआ कि इतना ज़्यादा विरक्त है इतने बड़ा राजा हो के भी। आगे भगवान ने उनको इस प्रकार वरदान दिया कि तुम मेरे सेवा और किसी का भी चिंतन नहीं कर पाओगे, चाह के भी नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन की बात आई थी, उन्होंने ये भी बोला भगवान ने कि तुमने जो पशुओं का वध किया है राजा हो, इसके लिए तुमको पाप तो भोगने ही पड़ेंगे। यहाँ पे प्रभुपाद ने इंस्ट्रक्शन दिया था तुमके आदेशों का संग करना है कि संन्यास, सबको संन्यास लेके कृष्ण भक्ति में संलग्न हो जाना चाहिए, हर व्यक्ति को ये काम करना चाहिए। और आगे उन्होंने बताया था कि राजा मुचकुंद को ये भी वरदान मिला कि तुम अगले जन्म में वैष्णव बनोगे जो ब्राह्मणों से उच्च होता है। और प्रभुपाद ने यहाँ पे बोला था कि जब कोई वैष्णव के स्तर पे पहुँच जाता है तो वो कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रीच करने में संलग्न हो जाता है, और भगवान का ये विशेष अनुग्रह है कि उनके अनुग्रह से कोई भी एक शुद्ध भक्त बन सकता है और वैष्णव दर्शन का उपदेश को वैष्णव दर्शन मतलब वैष्णव फिलोसफी को प्रीच करने में संलग्न हो जाता है। ऐसे उन भगवान ने कहा। फिर राजा मुचकुंद ने विदाई ली परिक्रमा लगा के और वो गुफा से चले गए। फिर एक पर्वत पे जाके उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया, एक तीर्थ एक आश्रम पे गए, तीर्थ स्थान पे बद्री का आश्रम। हाँ हो गया, बद्रिकाश्रम वहाँ पे तीर्थ स्थान पे उन्होंने ध्यान लगाया। तो तीर्थ पे भी यही करना चाहिए भगवान की सेवा। यहाँ पे कथा को विश्राम दिया गया था। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कालयवन को किस बात का अभिमान था? अपने बल का अभिमान था, और भगवान ने दिखा दिया कि तुमको मानने के लिए तो हमको किसी अस्त्र शस्त्र की भी जरूरत नहीं है, कमल की माला पहन के चल दिए। और मेरा भक्त बस सो रहा है, खाली तुमको देख ले तो मर जाओगे तुम। ये बल का अभिमान ऐसे चूर करते हैं भगवान, बिल्कुल उसकी चटनी बना देते हैं। कहाँ गया बल का अभिमान? कौन सबसे पावरफुल है सृष्टि में, उससे मैं युद्ध करूँगा? आओ मेरे भक्त के सामने खड़े होके तो दिखाओ, सो रहा है जगाना मत। ये तो पावर है तुम्हारी और उसका अभिमान है तुमको। ये होता है पावरफुल डिवोटी, और देख ले और बस असुर भस्म। तो अब क्या भगवान के सामने कोई अभिमान करेगा? हरे कृष्णा। तो बैलगाड़ियों पे जब कृष्ण लौट के आए तो सेना तो सब खड़ी थी, सोच रही थी कि कालेवन अभी आ रहा होगा कृष्ण को मार मूर करके, लेकिन देखा कृष्ण अकेले कमल की माला पहने चले आ रहे हैं। सोच रहे वो कहाँ गया, पीछे पीछे, सोचा ज़्यादा पीछे रह गया होगा, आ रहा होगा, आए नहीं। तो अब फिर युद्ध हुआ। हाँ, भगवान सबका उद्धार करना चाहते थे, इसलिए कालयवन के सब सैनिकों को मार करके अंतकाले जब मामेव स्मरण दे करके भेज दिया, जाओ।
और उनका सब सामान बैलगाड़ियों पर लाद के अब द्वारका के लिए चले। इसी मध्य जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना लेकर मथुरा पर पुनः आक्रमण कर दिया। पहले कितनी लाता था? 13 लाता था, अब की बार 23, डबल कर दिया लगभग। भगवान श्री कृष्ण राजा जरासंध के विशाल सैन्य समूहों के 18 आक्रमण से मथुरा की रक्षा करना चाहते थे। भाई अटैक होगा, कैसे कैसे अस्त्र चलेंगे, मथुरा की बिल्डिंग्स भी तो बचानी है, ऊंची ऊंची इमारतें थी वहाँ, आखिर उनका घर है, तो घर में कोई डैमेज करे। मथुरा की रक्षा करना चाहते थे, सैनिकों के और अधिक वध को रोकने के लिए तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित करने के लिए श्री कृष्ण ने युद्ध किए बिना ही रण क्षेत्र का त्याग कर दिया। अब ये रण छोड़ हुए हैं, काल्यवन से भागे थे उस समय रण छोड़ नहीं कहलाएंगे, उस समय तो सेना के बीच में चल रहे हैं, कहाँ छोड़ा रण है, कमल की माला पहन के हम आए हैं, आओ जो करना है कर लो, रण कहाँ छोड़ा, रण तो अब छोड़ रहे हैं। 23 अक्षौणी उधर सबको सुरक्षित भेज दिया है, बोले अब ये बेकार में मथुरा पे अटैक होगा, फायदा नहीं है कुछ। तो सैनिकों के और अधिक वध को रोकने के लिए, अब इनका भी वध अगर हो जाता तो ये भी धाम चले जाते, लेकिन कुछ सौभाग्य उतना नहीं रहा होगा, इसलिए भगवान इनसे फाइट ही नहीं किया। और मथुरा की रक्षा, सैनिकों के और अधिक वध को रोकना, और फिर कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित करने के लिए। ये अन्य महत्वपूर्ण कार्य क्या है? शादी करनी और शादी के समय लड़ाई झगड़ा किया जाए, थोड़ा हटाओ बस, बहुत हो गया, अब मूड चेंज हो चुका भगवान का, हाँ विवाह करने के मूड में। अन्य महत्वपूर्ण कार्य प्रभुपाद यहाँ लिख करके छोड़ दे रहे हैं, फिर आगे बताते हैं। अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित करने के लिए श्री कृष्ण ने युद्ध किए बिना ही रण क्षेत्र का त्याग कर दिया। वास्तव में वे तनिक भी भयभीत नहीं थे, किंतु उन्होंने जरासंध की विशाल सेना तथा शक्ति से भयभीत एक साधारण मानव होने का अभिनय किया कि जैसे डर के भाग रहे हों। बिना कोई शस्त्र लिए उन्होंने रणक्षेत्र त्याग दिया। शस्त्र वस्त्र उठाएंगे थोड़ा कम तेज दौड़ पाएंगे इसलिए भागो, रण क्षेत्र का त्याग कर दिया। यद्यपि उनके चरण कमल दल की भांति कोमल थे, तथापि वे बहुत दूर तक पैदल ही चलते गए। जरासंध ने विचार किया कि इस बार श्री कृष्ण तथा बलराम उसकी सैन्य शक्ति से अत्यंत भयभीत हैं, अच्छा हुआ 23 लाए थे, 13 में तो डरता नहीं था, 23 देख के लगता डर गया है। तो जरासंध ने सोचा कि हमारी सैन्य शक्ति से अब ये डर के भाग रहा है। उसने अपने समस्त रथों अश्वों तथा सैनिकों सहित उनका पीछा आरंभ किया। वो जा रहा है, चलो पीछे। उसके विचार से श्री कृष्ण तथा बलराम साधारण मानव थे और उसी प्रकार वह भगवान की गतिविधियों को माप रहा था।
साधारण मानव जैसे डरता है वैसे ये भी डर रहा है, नाप रहा है ना, डरपोक है, रणछोड़ है। साधारण न समझता होता तो फिर रणछोड़ क्यों कहता। उसके विचार से श्री कृष्ण तथा बलराम साधारण मानव थे और उसी प्रकार वह भगवान की गतिविधियों को माप रहा था। श्री कृष्ण को रणछोड़ भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जिसने रण क्षेत्र छोड़ दिया हो। भारत में और मुख्य रूप से गुजरात में श्री कृष्ण के अनेक मंदिर हैं जो रणछोड़ जी के मंदिर के रूप में विख्यात हैं। साधारणतया यदि कोई राजा युद्ध किए बिना रण क्षेत्र छोड़ देता है तो उसको कायर कहते हैं, किंतु श्री कृष्ण युद्ध के बिना ही रण क्षेत्र छोड़ने की लीला करते हैं। तब भक्त उनकी उपासना करते हैं, ये रण छोड़े तो उपासना और कोई रण छोड़े तो कायर। असुर सदैव श्री कृष्ण के ऐश्वर्य तथा शक्ति को मापने की कोशिश करते हैं, कितनी पावर है कृष्ण की। ये असुरी स्वभाव कृष्ण की शक्ति को मापने का प्रयास। असुर सदैव श्री कृष्ण के ऐश्वर्य तथा शक्ति को मापने का प्रयास करता है, जबकि एक भक्त कभी भी उनके ऐश्वर्य तथा शक्ति को मापने का प्रयास नहीं करता है। भक्त तो भगवान की शरण में जाता है, एक माप रहा है, एक शरण ले रहा है और जीवन भर उनका भजन करता है। शुद्ध भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करके हम जान सकते हैं कि रणछोड़ जी श्री कृष्ण ने भयभीत होने के कारण युद्ध क्षेत्र को नहीं छोड़ा था। एक अक्षौणी में कितने होते हैं? सवा दो लाख। 23 अक्षौणी में कितने हो गए? 50 लाख। एक अक्षौणी 55 लाख। अच्छा, 23 अक्षौणी 55 लाख हो गया। अच्छा, 55 लाख से भगवान भागेंगे? अभी 3 करोड़ से तो भागे नहीं थे। 3 करोड़ के सामने तो कमल की माला डाल के चल दिए, अब 55 लाख से क्या डरेंगे। लेकिन असुर की सोच देखिए कितनी छोटी है, नाप रहा है कृष्ण के बल को। भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करके हम यह जान सकते हैं कि रणछोड़ जी श्री कृष्ण ने भयभीत होने के कारण युद्ध क्षेत्र को नहीं छोड़ा था। बात तो क्लियर हो गई, किंतु इस कार्य के पीछे उनका कोई अन्य प्रयोजन था। जैसा कि बाद में स्पष्ट होगा, उनका प्रयोजन अपनी भविष्य में होने वाली प्रथम पत्नी रुक्मणी द्वारा भेजे गए गुप्त पत्र के अनुसार कार्य करना था। लेटर आ चुका है, अब कार्य करना है। हाँ, आ गया है, आने वाला है, जो भी है कृष्ण तो सब जानते हैं कि क्या होने वाला है। अब रुक्मणी जिस महल में रहती होंगी तो नारद जी वहां आते जाते, वो तो जानते हैं कि लक्ष्मी है, नारद जी का आना जाना उधर चलता ही है, और कृष्ण जहाँ रह रहे हैं वहां भी नारद जी का आना जाना है।
और फिर कृष्ण तो सबके हृदय में है, फिर नारद जी पर डिपेंड थोड़ी है इन्फॉर्मेशन के लिए। लेकिन फिर भी मानव लीला है तो नारद जी से सुना है, मानव लीला में ऐसा होता है। तो उनका प्रयोजन अपनी भविष्य में होने वाली प्रथम पत्नी रुक्मणी द्वारा भेजे गए गुप्त पत्र के अनुसार कार्य करना था। श्री कृष्ण का रण क्षेत्र छोड़ना उनके 6 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन था। कृष्ण परम शक्तिमान है, परम संपन्न है, परम प्रसिद्ध है, परम बुद्धिमान है, परम सुंदर है, उसी भांति परम वैराग्यवान भी तो हैं। तो इसमें से कौन सा ऐश्वर्य प्रकट कर रहे हैं रण से भाग के? वैराग्य। जिसके पास बल हो लड़ने का, क्या हटाओ मूड नहीं है। मूड रोमांटिक चल रहा है इस समय कृष्ण का। शादी करने जा रहे हैं भाई, कहाँ लड़ाई झगड़े में पड़े हैं, ये मच्छरों से कौन लड़ेगा। तो मेरा मुझको वो देख ले तो ये ऐसे ही मर जाएंगे। तो चला गया है हिमालय पे, नहीं तो एक दृष्टि उसकी डलवा देते, काम खत्म। कृष्ण का रण क्षेत्र छोड़ना उनके 6 ऐश्वर्यों में से एक का प्रदर्शन था। कृष्ण परम शक्तिमान, परम संपन्न, परम धनवान, परम प्रसिद्ध, परम बुद्धिमान, परम सुंदर, उसी भांति वे परम वैराग्यवान भी तो हैं। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पर्याप्त सैन्य शक्ति के होते हुए भी उन्होंने रणक्षेत्र का त्याग कर दिया। खूब धन होते हुए भी रूप गोस्वामी ने सब धन त्याग करके चैतन्य महाप्रभु से मिलने चले गए, तो इसको तो वैराग्य कहते हैं ना। और खूब बल होते हुए भी युद्ध का त्याग करके चले गए, तो भी तो वही बात हुई ना, वैराग्य। अपनी सेना के बिना भी वे जरासंध की सेना को पराजित करने के लिए अकेले ही पर्याप्त थे। बस सेना के हृदय से निकल जाए तो ढेर वहीं के वहीं, करना वरना थोड़ी कुछ है। कृष्ण को हृदय में बैठे हुए आत्मा में चेतना भगवान से निकल जाए, खत्म, बड़ा हुआ लंप ऑफ मैटर। जरासंध की सेना को पराजित करने के लिए वे अकेले ही पर्याप्त थे। पहले भी 17 बार वे ऐसा कर चुके थे। अतः वो उनका रण क्षेत्र को त्यागना उनके श्रेष्ठतम वैराग्य ऐश्वर्य का एक दृष्टांत है। इधर युद्ध में वैराग्य दिखा रहे हैं, उधर शादी करने का मूड बना रहे हैं। अब ये वैराग्य देखिए अद्भुत। हरे कृष्ण, सीखो वैराग्य। लोग शादी के बाद युद्ध करते। और फिर कृष्ण ने बहुत दूर चलने के पश्चात श्री कृष्ण बलराम दोनों भाइयों ने अत्यंत थक जाने का अभिनय किया। अब वो पीछे वो जरासंध सेना लेकर के खड़बड़ खड़बड़ आ रहा है, अब पकड़ तो पा नहीं रहा था इन दोनों को। अब इन लोगों ने थोड़ा ऐसे ऐसे करना शुरू किया, भाई अब थक गए हैं। उन्होंने कहा और तेज चलो, अब तो पकड़ ही लेंगे, ये लोग थक गए हैं। थकने के बाद अपनी थकान कैसे दूर की वो देखिए, जन्म कर्म चमे दिव्यम। थकान को दूर करने के लिए वे समुद्र तल से कई मील ऊंचे एक अत्यंत ऊंचे पर्वत पे चढ़ गए। ये थकान दूर हो रही है, अरे पर्वत पे चढ़ना खुद एक थकान है। थक गए तो पर्वत पे चढ़ो, कमाल है, पर्वत पे चढ़ गए।
निरंतर वर्षा होती रहती थी उस पर्वत पर, इतना ऊंचा था। निरंतर वर्षा के कारण इस पर्वत को प्रवर्षण कहा जाता, प्रवर्षण पर्वत। पर्वत का शिखर सदैव इंद्र द्वारा प्रेषित मेघों से आच्छादित रहता था, बादलों से हमेशा ढका रहे, इतना ऊंचा था, रोक लेता था बादलों को। और कितना ऊंचा था? 88 मील। कितना हुआ? 142 किलोमीटर। 142 किलोमीटर ऊंचा। ये जो कमर्शियल फ्लाइट्स होती हैं वो कितनी ऊंची उड़ती हैं? हमने गूगल पे सर्च किया तो 8 से 10 किलोमीटर, मिनिमम 8 मैक्सिमम 10 किलोमीटर। तो जितनी ऊंची फ्लाइट उड़ती है ना, वो तो 10 ही किलोमीटर है, और ये 142 किलोमीटर ऊंचा, 14 गुना ज़्यादा उससे भी। इतने ऊंचे पर्वत पे चढ़े हैं थकान मिटाने के लिए। निरंतर वर्षा के कारण इस पर्वत को प्रवर्षण कहा जाता था। पर्वत का शिखर सदैव इंद्र द्वारा प्रेषित मेघों से आच्छादित रहता था। जरासंध ने मान लिया कि दोनों भाई उसकी सैन्य शक्ति से भयभीत होकर पर्वत के शिखर में जाके छिप गए। अच्छा, पर्वत पे चढ़ गए हो, रुको अभी आते हैं। पूरी सेना को लगा दिया ढूंढो, अब पर्वत पे सारी सेना ढूंढ रही है, तो सेना पूरी थक गई। ये तो थकान दूर कर रहे हैं ऊपर बैठ के। थक के चूर हो गए, ढूंढ नहीं पाए। पहले तो उसने बहुत समय श्री कृष्ण और बलराम को ढूंढने का प्रयास किया, किंतु जब वह असफल रहा तब उसने पर्वत के शिखर के चारों ओर आग लगाकर उनका वध करने का निश्चय किया कि चलो मिल नहीं रहे हैं, हैं तो पर्वत पे ही, आग लगा देंगे, मर ही जाएंगे, दुश्मन खत्म होना इससे मतलब है, मर जाए खत्म हो। उसने शिखर के चारों ओर तेल डालकर उसमें आग लगा दी। जब अग्नि अधिक फैली तब कृष्ण और बलराम पर्वत के शिखर से 88 मील नीचे धरती थी कूद गए। 142 किलोमीटर ऊंची ऊंचाई से बिना पैराशूट के कूद गए। यहाँ हवाई जहाज से भी पैराशूट से लोग कूदते हैं। इनसे बल में बराबरी करने चला काल यवन जरासंध, कूद के दिखाओ पहले इतना। इस प्रकार जब पर्वत शिखर जल रहा था तो जरासंध की दृष्टि से ओझल होकर के बच निकले, छलांग लगाई और निकल गए। जरासंध ने निष्कर्ष निकाला कि दोनों भाई भस्म हो गए, कितना बढ़िया हमने प्लान बनाया, जला डालो पर्वती को, भस्म हो गए और आगे युद्ध करने की आवश्यकता नहीं रही, अब बस चलो सब लोग लौट चलो। स्वयं को अपने प्रयासों में सफल मानकर वह मथुरा से अपनी राजधानी मगध को लौट गया, चल दिया बिहार। धीरे धीरे श्री कृष्ण और बलराम जी चारों ओर सागर से घिरी हुई द्वारका नगरी पहुंच गए। धीरे धीरे टहलते हुए दोनों कंधे पे हाथ रख करके बातें करते हुए, इन दोनों की तो फिर नहीं कर रहे होंगे, अब आगे का जो प्लान है उसकी बात करिए। इसके पश्चात आनर्त प्रदेश के राजा रैवत की पुत्री रेवती से बलराम जी ने विवाह किया। पहले बड़े भाई का विवाह होना चाहिए, बलराम जी का विवाह हो गया। इसका विवरण श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में दिया गया है। श्री बलदेव के विवाह के उपरांत श्री कृष्ण ने रुक्मणी से विवाह किया। रुक्मणी
विदर्भ प्रदेश के राजा भीष्मक की पुत्री थी। पिता का नाम था भीष्मक। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री थी। जिस प्रकार कृष्ण भगवान वासुदेव हैं, उसी प्रकार रुक्मिणी महालक्ष्मी है। चैतन्य चरितामृत के प्रमाणानुसार श्री कृष्ण तथा श्रीमती राधा रानी का प्रकाश एक साथ होता है। तो वृंदावन में तो राधा रानी स्वयं थी, अब ये द्वारकाधीश द्वारका जा रहे हैं, तो अब द्वारकाधीश की सेवा कौन करेगा? तो राधा रानी का एक प्रकाश विग्रह होना चाहिए वहाँ सेवा करने के लिए। तो रुक्मणी जी उनका प्रकाश विग्रह है। और गोविंद के प्रकाश विग्रह वासुदेव, और राधा रानी की प्रकाश विग्रह रुक्मणी। श्री कृष्ण स्वयं को विभिन्न विष्णु तत्वों में विस्तारित करते हैं। श्रीमती राधा रानी अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा स्वयं का विभिन्न शक्तियों में अथवा लक्ष्मी के अनेक रूपों में अपना विस्तार करती हैं। वैदिक लोकाचार के अनुसार 8 प्रकार का विवाह होता है। कितने प्रकार का? 8 प्रकार का विवाह होता है। प्रथम श्रेणी का विवाह क्या है? प्रथम श्रेणी के विवाह में वर वधु के माता पिता विवाह की तिथि निश्चित करते हैं। क्या है प्रथम श्रेणी का विवाह? जिसकी डेट कौन फिक्स करेगा? माता पिता फिक्स करेंगे, ये नहीं कि बच्चे बैठ के फिक्स करेंगे। ये हुआ प्रथम श्रेणी का विवाह। तदनंतर राजसी ठाट से वर वधु के घर जाएगा, घोड़े पे बैठ के बराती लेकर के ठाट से जाएगा। ये नहीं कोर्ट में गया साइन करके आ गया, वो क्या ठाट बाट है, कुछ नहीं है। ब्राह्मणों पुरोहितों तथा संबंधियों की उपस्थिति में वर को वधु का दान दिया जाता है। सबसे पहली बात डेट फाइनल होती है, वो अधिकार पेरेंट्स का होना चाहिए। नहीं दिया तो फिर वो फर्स्ट क्लास विवाह नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त और भी विवाह की प्रणालियां हैं, जैसे गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह। तो राक्षस विवाह तो बड़ा खराब होता होगा, नहीं होता? भगवान ने राक्षस विवाह से चल, अब राक्षस विवाह करने जा रहे हैं। रुक्मणी जी का श्री कृष्ण से राक्षस प्रणाली से विवाह हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण ने शिशुपाल, जरासंध, शाल्व तथा अन्य अनेक प्रतिद्वंदियों की उपस्थिति में रुक्मणी जी का हरण किया था। सब दुश्मन खड़े हुए हैं और बीच में से जैसे सिंह अपना शिकार ले जाता है, वैसे ही कृष्ण जाकर के उठा लाए रुक्मणी को। जब रुक्मणी का कन्यादान शिशुपाल को किया जा रहा था, सब कुछ फिक्स हो चुका, तब श्री कृष्ण विवाह मंडप से उसे उसी तरह छीन ले गए जैसे गरुड़ ने असुरों से अमृत छीन लिया था। छीना झपटी असुर कर रहे थे, आए गरुड़ झपटा मार के लेके चले गए। राजा भीष्मक की एकमात्र पुत्री रुक्मिणी अनिंद्य सुंदरी थी, बहुत सुंदर।
वह रुचिरा आनना के नाम से फेमस थी। रुचिरा आनना, आनन माने मुख, जिसका अर्थ है कमल पुष्प के समान सुंदर मुख वाली। श्री कृष्ण के भक्त भगवान के दिव्य चरित्र के विषय में सुनने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। प्रभुपाद जी यहां भगवान के भक्तों का लक्षण बता रहे हैं। किस चीज के लिए उत्सुक रहते हैं भक्त? भगवान के दिव्य चरित्र के विषय में सुनने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। प्रतिक्षण आस्वादन लोलुपस्य श्री राधिका माधव योर अपार माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम प्रतिक्षण आस्वादन लोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ये होता है भक्त का स्वभाव, प्रतिक्षण आस्वादन लोलुप, लालची। लालची जब तक नहीं बनेंगे तब तक कृष्ण नहीं मिलेंगे। कृष्ण को पाना है लालच तो चाहिए, बिना लालच के नहीं मिलते। श्री कृष्ण के भक्त भगवान के दिव्य चरित्र के विषय में सुनने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। तो सुनने में क्या लालच हो सकती है कि हमारी कथा बिल्कुल न छूटने पाए, प्रारंभ से अंत तक सुने, जितने दिन कथा हो उतने दिन हम प्रेजेंट रहें, अपने आप को इतना न थका दें कथा के समय नींद आने लगे। ये लालच है ना, पता लगा कथा में नींद आ रही है तो फिर लालच कहाँ है आपके पास? या थक गए उसके बाद बैठे कथा सुनने के लिए, कथा के समय एकदम फ्रेश होकर के बैठे। तो प्रतिक्षण उत्सुक रहे भक्त का लक्षण है। और आपस में कोई बात नहीं करें, क्योंकि प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम, एक एक वर्ड में अमृत भरा हुआ है, उस अमृत का हमको आस्वादन करना है, कुछ छूट ना जाए। इसलिए पिन ड्रॉप साइलेंस और फुल कंसंट्रेशन, फ्रेश होके बैठना, प्रसाद चाहे जितना सिंप्लीफाई कर दो लेकिन सुनने के लिए सब सेक्रीफाइस करना चाहिए। ये भक्त का लक्षण है। श्री कृष्ण के भक्त भगवान के दिव्य चरित्र के विषय में सुनने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। हम लोग रोज मंगल आरती में गाते हैं प्रतिक्षण आस्वादन लोलुपस्य। क्यों गाते हैं हम? अगर किसी का दोष गान करेंगे तो उसका दोष मेरे अंदर एंटर कर जाएगा। हम किसी का गुण गान करेंगे तो वो गुण मेरे अंदर एंटर करेगा। तो हमारे गुरु का ऐसा स्वभाव है कि राधा माधव की दिव्य लीला, मधुर लीला, उसको श्रवण करने के लिए प्रतिक्षण आस्वादन लोलुपस्य, उनको लालच है। तो ये हम रोज गाएंगे तो ये गुण मेरे अंदर भी प्रवेश कर सकता है। और क्या है पद? पहला वाला क्या है? संसार दावा न लली डलोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्त से कल्याण गुणान अवश्य। क्या है वो? गुण के सागर हैं। गुण अर्णव, अर्णव माने सागर, वंदे गुरु श्री चरणव, गुणों के सागर। उस अपने गुरु के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ, ठीक है? गुणों के सागर हैं वो। और फिर दूसरा क्या है? महाप्रभु कीर्तन नित्य गीत। जब भगवान के नाम का कीर्तन होता है तो उनकी क्या दशा होती है? वादित्र माध्यन मनसो रसेन रोमांच कंप अश्रु तरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। उनके शरीर में इस प्रकार के अष्ट सात्विक विकार उदित हो जाते हैं,
तो हमें भी लालच होनी चाहिए कि हमें भी हो, ठीक है ना। यही तो भक्ति की परफेक्शन है। अब तीसरा क्या है? अब श्री विग्रह आराधन में लगे रहते हैं हर समय। श्री विग्रह आराधन नित्य नाना श्रृंगार और तन मंदिर मार्जना दो, कर लगे हैं श्रृंगार में, मंदिर मार्जन में। आगे और भक्तों को भी लगा देते हैं उस सेवा में, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो ये एक क्वालिटी जो है उसको हम रोज सुबह सुबह स्मरण करते हैं, ताकि ये क्वालिटी मेरे अंदर भी आए, हम भी भगवान का नाना प्रकार से श्रृंगार करें, हम भी मंदिर का खूब मार्जन करें। क्वालिटीज गाएंगे तो क्वालिटीज आएंगी, दोष गाएंगे तो दोष आएगा। च्वाइस आपकी है, आखिर सर है आपका, क्या करना है आपको। फिर चौथा और चौथी क्वालिटी देखिए, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद हो, चारों प्रकार के प्रसाद बनाने में निपुण, स्वादुन्न तृप्तान हरि भक्त संगान, और हरि भक्तों को वो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करके और बहुत तृप्त होते हैं, ठीक है। फिर कृतवाई व सबको प्रसाद खिला करके तृप्तिम, वंदे गुरु श्री चरणारविंद, ये क्वालिटी है मेरे गुरु की। फिर पांचवा, श्री राधिका माधव योर अपार माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम प्रतिक्षण आस्वादन लोलुपस्य, उनको लालच है भगवान की कथा प्रतिक्षण आस्वादन करने की। तो ये गुण गाएंगे तो ये गुण मेरे अंदर एंटर करेगा, ठीक है। वो तो आए ये सारी क्वालिटीज हमको देने के लिए, और वो जब हमारे अंदर देखेंगे तो कितने खुश होंगे। और फिर क्या है, निकुंज यूनो रति केली सिद्धयी या आली भी अपेक्षणीय, आली भी माने गोपियां, या माने जो अपेक्षा करती हैं वो गोपियां, निकुंज में यूनो यानी राधा कृष्ण की युगल जोड़ी, निकुंज यूनो रति केली सिद्धयी कि उनकी जो माधुर्य लीला है वो अच्छी तरह संपन्न हो, सिद्ध हो जाए, उसके लिए क्या क्या अपेक्षा है गोपियों की, कि हम क्या अरेंजमेंट करें। उन गोपियों के भावों को समझ जाते हैं, अपेक्षणीय तत्राति दक्षा, उसको समझ जाने में ये दक्ष हैं। वंदे गुरु श्री चरणारविंद, मैं उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। फिर तो अब जो ये जो छह श्लोकों में बताया गया, इन क्वालिटीज से जो युक्त व्यक्ति है, जो हमारा गुरु है, वो साक्षात हरि के समान है। साक्षात हरित्व ना, कौन कह रहा है? समस्त शास्त्र है, ये नहीं कि हम अपने मनगढ़ंत बात कह रहे हैं, समस्त शास्त्र ही है। आचार्य माम भी जानियात नावमन्यत कर ही चित सर्वदेव मयो गुरु, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र उक्तस कहा गया है, तथा भाव्यता एव सद्भि, और भक्त लोगों को ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। भाव्यता एव सद्भि, सद्भि माने भक्त, किंतु लेकिन कुछ डिफरेंस भी है, क्या? प्रभोर्य प्रिय एव दास, प्रभु का प्रिय दास है ना, हरि के समान होते हुए भी हरि का दास है, ये अचिंत्य भेदावेद है। अच्छा फिर क्या है लास्ट, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, जिनकी कृपा से भगवान की कृपा प्राप्त होती है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादान जिनकी कृपा न मिली, न गति कुतो अपि, कहीं मेरी गति नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं है। स्पीड आदमी क्यों बढ़ाता है? जल्दी पहुंचने के लिए, स्पीड ही नहीं आएगी। स्पीड नहीं आएगी मतलब क्या? एक्सीलेटर खराब है, यानी जीरो स्पीड पे चल रहे हैं।
न गति कुतो अभी ध्यायम स्तुवांस्तस्य। मैं तीनों काल उनका स्मरण करूं, मैं ध्यान करता हूं उनका। वंदे गुरु श्री चरणारविंद। क्या है वो? गुणार्णवस्य। ये तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु अष्टक में 8 श्लोकों में कुछ गुणों का वर्णन किया जो प्रधान, और बाकी तो अनंत गुणों का खान, तो समुद्र है गुणों का। पहले ही पहले श्लोक में कह दिया है तो समुद्र, वर्णन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ प्रयास करते हैं, किया वर्णन ताकि हम लोग को कुछ लाभ मिल सके। गुणों का सागर है हम। कैसे हैं? संसार दावा नल लीड लोकर, लीड माने सताए जा रहे हैं। कहाँ? दावानल में। हम दावानल में सताए हुए जीव, और वो हमारे त्राण के लिए, त्राणाय घना घनत्व, घने बादल के रूप में प्रकट हुआ। कृष्ण क्या है? कृपा के सागर। और गुरु क्या है? वो बादल के रूप में प्रकट हुआ। सागर का जल कैसा होता है? वो हम यूज नहीं कर सकते, डायरेक्ट कृष्ण से नहीं ले सकते, लेकिन जब गुरु के माध्यम से उस घना घनत्वम बादल के माध्यम से आता है, तो क्या नमक होता है बादल के पानी में? बिल्कुल प्योर वाटर, जरा सी उसमें डस्ट नहीं होती। ये है गुरु। हम सागर से डायरेक्ट नहीं ले सकते, बादल के थ्रू तो ले सकते, बिल्कुल प्योर, और जो हम कंज्यूम कर सकते हैं। अर्जुन में है क्वालिफिकेशन, डायरेक्ट भगवान से ले रहा है। 45 मिनट में भगवत गीता श्रवण करके आचरण चालू, और हम 45 मिनट की क्लास में कितना आचरण चालू कर देते हैं, हम लोग सबको पता है। तो श्री कृष्ण के भक्त भगवान के दिव्य चरित्र के विषय में सुनने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। युद्ध, फिर चाहे वो चरित्र में युद्ध हो रहा हो, युद्ध में भी उतना ही इंटरेस्ट लेते हैं भक्त लोग, ये भगवान की दिव्य लीला है। और फिर चाहे हरण, हरणम मधुरम, दलितम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, भक्त के लिए सब मधुर, चलनम गमनम रूपम, खाना पीना बांसुरी बजाना, एवरीथिंग मधुराधिपते अखिलम मधुरम, इसलिए सब मधुर है, तू क्या छोड़ दे। इसलिए प्रतिक्षण आस्वादन लोलो, युद्ध हरण और रण क्षेत्र में लड़ने की भी भगवान की हम लोगों ने देख ली, नदियां बहा दी, नदी में बाढ़ ला दी, और तब भी उनको सबको धाम भेज रहे हैं। लगता है भगवान को क्या दया नहीं, युद्ध करते हैं तो फिर ऐसा वीर रस दिखाते हैं अपना, और कभी मूड नहीं है तो रण छोड़ भी, वो भी मधुर लीला। रण छोड़ लीला भी बड़ी मधुर, उनका युद्ध छोड़ करके भागना आदि सभी लीलाएं दिव्य हैं, क्योंकि वे सर्वोत्तम स्तर की लीलाएं हैं। भक्तगण उनके विषय में सुनने में दिव्य रुचि रखते हैं। शुद्ध भक्त यह भेद नहीं करते कि भगवान की कुछ लीलाओं को सुनना चाहिए और कुछ को नहीं। फिर भी तथाकथित भक्तों की एक श्रेणी है जो प्राकृत सहजिया के नाम से विख्यात है। प्राकृत सहजिया, वे लोग गोपियों के साथ श्री कृष्ण की रासलीला के विषय में सुनने में अत्यधिक रुचि रखते हैं, किंतु शत्रुओं से उनके युद्ध के विषय में सुनने में रुचि नहीं रखते। वे यह नहीं जानते कि उनकी युद्ध संबंधी लीलाएं तथा गोपियों के साथ उनकी प्रेमपूर्ण लीलाएं दोनों ही समान रूप से दिव्य हैं। दिव्यता तो दोनों में ही है, क्योंकि दोनों ही प्रकार की लीलाएं अद्वय स्तर की हैं, परम स्तर की हैं। शुद्ध भक्त श्रीमद् भागवत में वर्णित श्री कृष्ण की लीलाओं का रसास्वादन विनम्र श्रवण के द्वारा करते हैं। विनम्र श्रवण माने विश्वास के साथ। वे लीलामृत की एक बूंद को भी
अस्वीकार नहीं करते, एक बूंद को भी अस्वीकार नहीं, प्रतिक्षण आस्वादन। रुक्मणी के साथ श्री कृष्ण के विवाह की कथा का वर्णन इस प्रकार किया गया है। विदर्भ के राजा महाराज भीष्मक एक अत्यंत योग्य तथा भक्त सम्राट थे, क्षत्रिय के गुणों से युक्त और कृष्ण के भक्त। उनके 5 पुत्र थे और 1 पुत्री, 6 बच्चे थे उनके। प्रथम पुत्र का नाम था रुक्मी, दूसरा था रुक्म रथ, तीसरा रुक्म बाहु, चौथा रुक्म केश, 5वां रुक्म माली के नाम से विख्यात था। उन भाइयों की एक छोटी बहन थी, उसका नाम था रुक्मिणी। वह सुंदर और सती थी तथा श्री कृष्ण से उसका विवाह होने वाला था। अनेक संत तथा नारद मुनि जैसे साधु राजा भीष्मक के राजमहल में जाया करते थे। स्वाभाविक ही था कि रुक्मिणी जी को उनसे वार्तालाप करने का अवसर मिला, और उनके लिए भी स्वाभाविक था कि जाएं, लक्ष्मी जी हैं, माता हैं, चलो मिलके आते हैं। और रुक्मिणी जी को सुनने को मिलता था, सुनने को तो काल्यवन को भी मिला और रुक्मिणी को भी मिला। अब देखिए डिफरेंस। स्वाभाविक ही था कि रुक्मिणी जी को उनसे वार्तालाप करने का अवसर प्राप्त हुआ और इस प्रकार उन्होंने श्री कृष्ण के विषय में ज्ञान प्राप्त कर लिया। उन्होंने श्री कृष्ण के षड ऐश्वर्यों के विषय में जानकारी प्राप्त की और उनके विषय में सुनकर ही रुक्मिणी श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेकर उनके पत्नी बनने की कामना करने लगी, मात्र श्रवण से। और काल्यवन युद्ध करने की कामना करने लगा। ये है तो विनम्र श्रवण चाहिए, ठीक है ना। उसने विनम्र श्रवण नहीं किया, नारद जी ये बताइए किससे युद्ध करूं, ये विनम्र श्रवण है। नारद जी ने कहा कि जब मरो जाके वो यदुवंश में आया है, लड़का एक है, उससे जाके लड़ो, तुमको बताएगा, तुम्हारे बल का सारा अभिमान मिट्टी में मिला दे तो जो कौ सो हार जाएंगे। ध्वस्त कर दिया पूरा अहंकार और ये सरेंडर करके सारा जीवन कृष्ण की सेवा करने के लिए तैयार हो गए। सुन करके, सुनने से कृष्ण के प्रति आकर्षण होता है, फिर कृष्ण से प्रेम हो जाता है, फिर बंधन छूट जाए कौन बड़ी बात है। बंधन तो छूट ही जाएगा, मेन तो प्रेम है ना। तो सुनना चाहिए प्रामाणिक स्रोत से कृष्ण की कथा, जितना सुनने को मिले सुनते रहो। श्री कृष्ण ने भी रुक्मिणी के विषय में सुना था, यही सब संत तो कृष्ण के पास भी आते जाते हैं। वे बुद्धिमत्ता, मन की उदारता, अनिंद्य सौंदर्य और सदाचार आदि सभी दिव्य गुणों की सागर थी रुक्मिणी। बुद्धिमत्ता, मन की उदारता, अनिंद्य सौंदर्य और सदाचार सभी दिव्य गुणों की सागर थी। अतएव श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि वे उनकी पत्नी बनने योग्य हैं। दोनों के अंदर निश्चय हो चुका है, अभी देखा नहीं किसी ने किसी को, निश्चय हो गया खाली सुन कर। राजा भीष्मक के समस्त परिवार
तथा संबंधियों ने निश्चय किया कि रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण से होना चाहिए। किसने तय किया? पिताजी ने। पिताजी भक्त थे। राजा भीष्मक के समस्त परिवार, सारे परिवार ने एक ही डिसीजन दिया कि इसका विवाह तो कृष्ण से ही होना चाहिए, और संबंधियों ने भी यही निश्चय किया। किंतु बस एक व्यक्ति था विरोधी, कौन? रुक्मी। किंतु रुक्मणी के बड़े भाई रुक्मी ने अन्य सबकी इच्छा के विपरीत उसका विवाह शिशुपाल के साथ में निश्चित कर दिया। वो गया जाके वचन देके आ गया, तुमसे हम अपनी बहन की शादी कराएंगे, ये लो। शिशुपाल श्री कृष्ण का कट्टर शत्रु था, इतना बड़ा शत्रु था कि वो जो पैदा हुआ था, जब उसने बोलना सीखा, तोतली भाषा बोलता था तो कृष्ण को गाली देता था, तुतला तुतला करके तब भी वो गालियां ही देता था कृष्ण। तुम तो द्वाले हो, तुम देख लेना, द्वाला बहुत उथल रहा है, तुतला तुतला गाली दे रहा है, अरे बोलना सीख लो, गाली भी देना अच्छा लगेगा थोड़ा। किंतु रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी ने अन्य सब की इच्छा के विपरीत उसका विवाह शिशुपाल के साथ निश्चित कर दिया, और शिशुपाल श्री कृष्ण का कट्टर शत्रु था। जब काली आंखों वाली सुंदरी रुक्मिणी ने इस संबंध के विषय में सुना कि बड़े भाई ने तो तय कर दिया है, अब क्या करें, तो वे तत्काल अत्यंत उदास हो गई। उनका विचार था कि तत्काल ही कुछ करना पड़ेगा, तुरंत कुछ नहीं किया तो हो जाएगी गड़बड़, तो शिशुपाल जो कृष्ण का शत्रु, कृष्ण से विवाह होने जा रहा है, कृष्ण के शत्रु से विवाह, कट्टर शत्रु से, तत्काल कुछ करना पड़ेगा। कुछ विचार करने के पश्चात उन्होंने श्री कृष्ण को संदेश भेजने का निश्चय किया, कहा चलो एक लेटर लिखते हैं, और उनके साथ छल ना होने पाए, पता लगा लेटर लिख के किसी को दिया, उसने जा करके रुक्मी को पकड़ा दिया कि देखो तुम्हारी बहन किसको लेटर लिख रही है। छल ना होने पाए उसके लिए उन्होंने एक योग्य ब्राह्मण को अपना दूत बनाया। तो इस प्रकार का योग्य ब्राह्मण विष्णु का भक्त होता है, विष्णु भक्त है तो ब्राह्मण तो योग्य है ही, उसमें कोई डाउट ही नहीं रह गया, और विष्णु भक्त है तो सदैव सत्य भाषण करता है, कभी झूठ नहीं बोल, कितना घाटा हो जाए झूठ नहीं बोलेगा, मार पड़ जाए, प्राण संकट में आ जाए, लेकिन वो झूठ नहीं बोल सकते। ब्राह्मण को अविलंब द्वारिका भेज दिया गया। तो ब्राह्मण माने ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानता हो। आजकल तो लोग मांसाहार करने वाले और मदिरा पान करने वाले और तंबाकू खा करके और कथा में बैठने वाले, ऐसे ऐसे लोग ब्राह्मण हो गए, अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। ये लोग क्या हैं वास्तव में? म्लेच्छ। चूंकि जन्मना जायते शूद्रा, शूद्र से ऊपर जाना था, वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण में प्रोग्रेस करनी चाहिए थी, इसने क्या किया, शूद्र से भी नीचे चला गया, अपना अधः पतन करा के म्लेच्छ हो गया। शूद्र भी वैदिक संस्कृति का पालन करता है, तो जो तीनों उच्च वर्ण है उनकी सेवा करता है। तो ऐसे व्यक्ति को मैसेंजर बनाया जाए जो सत्यवादी तो हो,
भरोसा हो जिसका, तो विष्णु भक्त ब्राह्मण को भेजा गया। द्वारका के मुख्य द्वार पर पहुंचकर ब्राह्मण ने द्वारपालों को अपने आने की सूचना दी। द्वारपाल उसे उस स्थान पर ले गए जहां श्री कृष्ण एक स्वर्ण सिंहासन पर आसीन थे। चूंकि ब्राह्मण को रुक्मणी जी का दूत होने का अवसर मिला था, अतएव उसे समस्त कारणों के मूल कारण श्री भगवान कृष्ण के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इतनी बड़ी सेवा मिल गई रुक्मणी जी की, तो भगवान के दर्शन का सौभाग्य मिला। ब्राह्मण तो समाज के सभी विभागों का गुरु होता है। ब्राह्मणों का किस प्रकार आदर करना चाहिए, यह वैदिक शिष्टाचार सिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण तत्काल उठ खड़े हुए। ब्राह्मण आया, भगवान उठ के खड़े अपने सिंहासन से, और ब्राह्मण को अपना सिंहासन दे दिया, अपने आसन बैठा दिया। जब ब्राह्मण स्वर्ण सिंहासन पर आसीन हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण उसकी उसी प्रकार उपासना करने लगे जिस प्रकार देवता कृष्ण की करते हैं। इस तरह से कृष्ण उपासना कर रहे हैं। गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो शिष्टाचार सिखा रहे हैं कृष्ण कि ब्राह्मण का कैसे सम्मान किया जाता है। इस प्रकार उन्होंने सबको आदेश दिया कि उनके भक्त की उपासना करना उनकी उपासना करने से अधिक मूल्यवान है। यथा समय ब्राह्मण ने स्नान किया, भोजन किया, रेशम से सज्जित कोमल शैया पर विश्राम किया। जब वह विश्राम कर रहा था, तब श्री कृष्ण ने निःशब्द बिना कुछ बोले चुपचाप आकर के अत्यंत आदर पूर्वक ब्राह्मण के पैरों को अपनी गोद में रख लिया और उसे धीरे धीरे सहलाने लगे। इस प्रकार श्री कृष्ण ब्राह्मण के समक्ष प्रकट हुए और कहा, प्रिय ब्राह्मण, मुझे आशा है कि आप धर्म विधियों का निर्विघ्न संपादन करते होंगे। धर्म का पालन आपका बिना किसी के विघ्न के चल रहा होगा। मुझे आशा है कि आप धर्म विधियों का निर्विघ्न संपादन कर रहे होंगे और आपका मन सदैव शांत रहता होगा। ब्राह्मण से ये आशा कर रहे हैं भगवान। जो लोग अपने आप को ब्राह्मण क्लेम करते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि भगवान हमसे क्या आशा करते हैं, कि धर्म का पालन ठीक ठीक हम कर रहे हैं निर्विघ्न रूप से और मन सदैव शांत रहता है। ब्राह्मण कभी उद्विग्न नहीं होना चाहिए। ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति उद्विग्न होगा तो न जानने वाले का क्या हाल होगा। शांत, आपका मन सदैव शांत रहता होगा। शांत माने न भोग की कामना होती होगी, न मुक्ति की कामना होती होगी, न सिद्धि की कामना होती होगी। वो वैष्णव है ना, ये वैष्णव सर्वोच्च ब्राह्मण है। सामाजिक व्यवस्था में लोगों के विभिन्न वर्ग अनेक प्रकार के व्यवसायों में संलग्न रहते हैं और किसी व्यक्ति विशेष की कुशलता के विषय में जिज्ञासा उसके व्यवसाय के आधार पर करनी चाहिए। तो ब्राह्मण की कुशलता, धर्म का निर्वाह ठीक से हो रहा होगा और आपका मन शांत रहता होगा। ये ब्राह्मण से दोनों आशाएं होती हैं।
धर्म का निर्वाह चल रहा है और मन शांत है। अतः जब कोई ब्राह्मण की कुशलता का समाचार पूछता है तब उसके जीवन की स्थिति के अनुसार ही प्रश्न करना चाहिए, जिससे कि ब्राह्मण क्षुब्ध न हो। शांत मन ही सत्यवादी, स्वच्छ, संतुलित, आत्मसंयमी तथा सहिष्णु बनने का आधार है। तो मन में भोग की कामना होगी तो सहनशील कहाँ होगा, ये गुण उसके अंदर आ ही नहीं सकते। भोग की कामना है तो जैसे तैसे भोग मिल जाए तो सत्यवादी भी नहीं रह जाएगा, झूठ फरेब करके किसी तरह से बस शासन प्राप्त हो जाए। और भोग की कामना है तो स्वच्छ भी नहीं रहेगा, भोग की कामना है तो बैलेंस में बुद्धि नहीं चलेगी, इम्बैलेंस होता रहेगा। तो शांत का मतलब भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामना नहीं है जिसके अंदर, उसके अंदर ये गुण अपने आप आ जाएंगे। सत्यवादी, स्वच्छ, संतुलित, आत्मसंयमी और सहिष्णु, इतनी सारी क्वालिटीज, और भी क्वालिटीज आ जाएंगी। इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करके तथा जीवन में उसके व्यवहारिक प्रयोग को जानकर, ज्ञान प्राप्त करना है भगवद गीता से और जीवन में उसको व्यवहारिक रूप में उतारना भी है। व्यवहारिक प्रयोग को जानकर व्यक्ति को परम सत्य की प्रतीति हो जाती है, एक्सपीरियंस हो जाता है परम सत्य का, जब हम नॉलेज को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उतार लेते हैं। ब्राह्मण को ज्ञात था, अभी तक देखिए लेटर की बात नहीं हो रही है, जबकि अर्जेंट है मैटर, फिर भी पूरा सत्कार ब्राह्मण भी ग्रहण कर रहा है। ये ब्राह्मण को कितना एम्बैरेसमेंट होता होगा, लज्जा आती होगी, नहीं आती होगी। फिर भगवान से सेवा ले, जानता है भगवान है, क्योंकि द्वारकावासी ब्राह्मण है, द्वारका में तो ऐश्वर्य ज्ञान होता है, मथुरा में ऐश्वर्य ज्ञान होता है, सब जानते हैं कि भगवान है। भगवान जान करके प्यार करते हैं, ब्रिजवासी भगवान जान के प्यार नहीं करते हैं, संबंध के कारण प्यार करते हैं। तो इसकी क्या हालत होती होगी, लेकिन क्यों ग्रहण कर रहा है, क्योंकि कृष्ण मानव लीला करना चाहते हैं, वो इस समय मानव लीला के मूड में है और मानवों को सिखाना चाहते हैं कि ब्राह्मण का कैसे सत्कार किया जाता है। अब ये नहीं नहीं करके और उन सेवाओं को रिजेक्ट करके और कृष्ण के प्लान को चौपट नहीं करना चाहता है जो वो मैसेज हमें देना चाहते हैं, इसलिए वो कितना भी लज्जित हो रहा है लेकिन वो कृष्ण की प्रसन्नता, तब सुख चाहूँ बस ऐसा बना दे, वो कृष्ण का सुख चाह रहा है, उनको सेवा करके आनंद मिल रहा है, चलो ठीक है, उनके सुख के लिए हम उनसे सेवा भी स्वीकार कर ले रहे हैं। बड़ी सूक्ष्म बातें हैं ये। पहली बात तो इस स्थिति में आना ये कितना दुर्लभ है, ये तो रुक्मणी जी का दूत है जो कृष्ण के दर्शन कर रहा है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, इफ यू लव मी लव माई डॉग, कृष्ण रुक्मणी से प्यार करते हैं तो रुक्मणी के मैसेंजर से भी करेंगे। ब्राह्मण को ज्ञात था कि श्री कृष्ण श्री भगवान है, तथापि उसने वैदिक सामाजिक लोकाचार के आधार पर भगवान की आदरपूर्ण सेवा को स्वीकार किया। भगवान श्री कृष्ण ठीक एक मानव के समान अभिनय कर रहे थे, सामाजिक व्यवस्था के क्षत्रिय विभाग का अंश होने के कारण तथा एक किशोर बालक होने के कारण, एक तो आयु में ब्राह्मण बड़ा है, दूसरा वर्ण के हिसाब से श्रेष्ठ वर्ण में है, किशोर होने के कारण और क्षत्रिय होने के कारण ऐसे ब्राह्मण के प्रति
आदर दर्शाना उनका कर्तव्य है, कर्तव्य का निर्वाह कर अपने आचार्य प्रभु जीवन सिखाए। ये है जन्म कर्म जमे दिव्यम। हम जीवों का चिंतन है उस समय भी, वो इतना अर्जेंट मैटर चल रहा है, शादी उधर तय हो चुकी है, रुक्मणी ने लेटर भेजा है, लेटर की तो बात ही नहीं हो रही है, हम लोग की चिंता हो रही है कि ये लोग ब्राह्मण अपने आप को कहते हैं और चित्त शांत रखते नहीं, धर्म का ठीक से निर्वाह नहीं करते। ये दो बातें स्पेशली याद रखे हर ब्राह्मण जो अपने आप को कहता है कि ब्राह्मण है। नहीं भी, अगर कोई वैष्णव अपने आप को समझता है तो उसको तो करना ही करना पड़ेगा, वो तो और उच्च स्तर पे है, उसके अंदर तो ये क्वालिटीज होनी चाहिए। क्या धर्म का निर्वाह है? और क्या है धर्म? नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन यहाँ छाड़ी धर्म नाही आर सनातन। इसके अलावा कोई धर्म ही नहीं है, नाम में रुचि। तो धर्म का निर्वाह मैं आशा करता हूँ कि आपका ठीक से चल रहा होगा, इसका मतलब आपकी चैंटिंग सही चल रही है। ठीक, कलयुग के हिसाब से आप सोचिए, इसका मतलब भगवान ब्राह्मण से आशा करते हैं कि उसका जप तो फर्स्ट क्लास चल ही रहा होगा। दूसरा जीवे दया, इसका मतलब प्रचार कार्य में भी लगा होगा, जीवे दया। और जो स्त्रियां हैं, जो गृहिणी हैं, वो घर में रहती हैं बिचारी, वो कहाँ प्रचार करने जाएं, परमिशन लेनी पड़ेगी घर वालों की, तो बद्धावस्था रहती है ना, पराधीन स्वप्ने हो सुख नाही, तो वो कैसे जीवे दया दिखाएं? उसके जो बच्चे हैं उनको वैष्णव बना करके वो एक जीव पर तो दया दिखा ही सकते हैं, उन पे सारी एनर्जी लगा दो। क्या पता कल को तो स्त्रियां खुलेआम विचरण कर रही हैं, वो प्योर डिवोटी बन करके वो प्रचार करेगी, है ना, तो उस पूरी एनर्जी उसमें लगा देनी चाहिए। बस बच्चों को वैष्णव बना दिया, समझ लिया आपका काम हो गया, हो गई जीव दया। कहाँ वो घर से बगावत करके और जाएंगी प्रचार करने के लिए, खुद अच्छी तरह से समझें और अपने परिवार में, जैसे कालिया की पत्नियां कालिया को कृष्ण कथा सुनाती थी, तो अपने पति को, अपने सास ससुर को, अपने देवर को, जिसके साथ भी बैठो, किसी से भी फ़ोन पे बातें करो, मोबाइल से तो हम कितनी बातें कर सकते हैं, कितने लोगों से मेरी फ्रेंडशिप होती है, क्या होता है, हर एक से कृष्णोपदेश कृष्ण कथा करो, चर्चा, कहीं घर से बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। तो माताओं को ये फील होता है ना कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका ये सलूशन है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपको सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। तो भगवान को आशा है कि ब्राह्मण शांत होगा और वैष्णव तो होगा ही होगा, तो चैंटिंग फर्स्ट क्लास चल रही होगी और जीवे दया चल रही होगी और वैष्णवों की सेवा भी करता होगा, वैष्णव सेवन भी चलता होगा, ये तीन काम करेगा, यही सनातन धर्म है। धर्म का निर्वाह ठीक से चल रहा होगा। यदि ब्राह्मण सदैव आत्मतुष्ट रहता है तो वह अपने निर्धारित कर्तव्यों से विचलित नहीं होता, वो अपनी तुष्टि के लिए किसी चीज पर डिपेंड नहीं है अगर, तो फिर कर्तव्य निर्वाह में उसके बाधा क्या है? केवल अपने निर्धारित कर्तव्यों में संलग्न रहने से ही प्रत्येक व्यक्ति, विशेष रूप से ब्राह्मण, समस्त कामनाओं की सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त करता है। अपने धर्म का ठीक से पालन करने से समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति स्वर्ग के राजा इंद्र के समान ऐश्वर्यवान हो, तब भी यदि वह संतुष्ट ना हो, इंद्र के समान ऐश्वर्य और संतुष्टि नहीं है,
तो उसे एक लोक से दूसरे लोक में भटकना पड़ता है। चित्त शांत नहीं है तो भटकना पड़ेगा। जैसे बच्चा थोड़ा चंचल होता है, अशांत होता है, तो एक जगह बैठ नहीं सकता, कितना ही फोर्स करो थोड़ी देर डर के मारे बैठ जाएगा, उसके बाद फिर भागना कूदना इधर उधर। ऐसे ही अगर हमारा मन है तो फिर लोकों में घुमाएगा। आब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। तो ऐसा व्यक्ति किसी भी स्थिति में सुखी नहीं रह सकता। जब उसका कोई स्थायी स्थान ही नहीं है, सुखी क्या रहेगा। किंतु यदि किसी व्यक्ति का मन संतुष्ट हो, तब अपने उच्च पद से विहीन होने पर भी, पद विहीन हो गया, वह कहीं भी सुखी रह सकता है। कब? जब मन संतुष्ट है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामना नहीं है। ब्राह्मण को दिया गया श्री कृष्ण का यह उपदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। तात्पर्य यह है कि सच्चे ब्राह्मण को किसी भी दशा में अशांत नहीं होना चाहिए। सच्चे ब्राह्मण को किसी भी दशा में, इस आधुनिक समय कलयुग में तथा कथित ब्राह्मणों ने शूद्रों से भी निम्न कोटि के निंद्य पद को स्वीकार कर लिया है, तो भी वे चाहते हैं कि उन्हें योग्य ब्राह्मण माना जाए। वास्तव में एक योग्य ब्राह्मण सदैव अपने ही कर्तव्यों पर दृढ़ रहता है, धर्म का निर्वाह करता है, नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन, तीन काम में लगा रहता है। वह कभी भी शूद्र अथवा शूद्रों से भी निम्न कोटि के कर्तव्यों को स्वीकार नहीं करता। प्रामाणिक धर्म ग्रंथों में परामर्श दिया गया है कि विशेष परिस्थितियों में ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्य का व्यवसाय स्वीकार कर सकता है, किंतु उसे शूद्र का व्यवसाय कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। उस सारे संप्रदायों का गुरु है वो, तो फिर वो अब दास बन करके उनके यहाँ काम करेगा, तो फिर उसकी कौन सुनेगा, अपनी स्थिति से खुद ही गिर रहा है। भगवान कृष्ण ने घोषणा की कि यदि ब्राह्मण विवेक पूर्वक अपने धार्मिक सिद्धांतों पर दृढ़ रहता है, तब उसे जीवन की किसी भी प्रतिकूल स्थिति द्वारा विचलित नहीं होना चाहिए। निष्कर्ष रूप में श्री कृष्ण ने कहा कि मैं ब्राह्मण तथा वैष्णवों को सादर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ब्राह्मण सदैव आत्मतुष्ट रहते हैं। क्यों प्रणाम कर रहे हैं भगवान? आत्मतुष्ट व्यक्ति है, सो कुछ चाहिए नहीं। कुछ नहीं चाहिए वाले बहुत प्यारे हैं भगवान को। अनिकेत समय प्रिय, 12वें अध्याय में अनेक श्लोक भरे पड़े हैं, कैसा भक्त मुझे प्रिय है। तो हमें उसको कंठस्थ कर लेना चाहिए और वैसा भक्त बनने की कोशिश करनी चाहिए। वे जन साधारण के सर्वोत्तम मित्र हैं। कौन? ये जो योग्य ब्राह्मण है जन साधारण के सर्वोत्तम मित्र हैं। दोनों ही मिथ्या अहंकार से मुक्त हैं, दोनों मतलब वैष्णव और ब्राह्मण, और सदैव शांत चित्त रहते हैं। तो ये भगवान ने ब्राह्मण को हालचाल पूछा और उसको उपदेश दिया और चरण सहला रहे हैं गोद में रख करके। कितने शांत वातावरण में दोनों की बातचीत हो रही है, कितना कंफर्टेबल हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं भागा भागा, अरे शिशुपाल के साथ शादी होने वाली, रुक्मणी की जल्दी करो, कुछ करो, कोई उद्विग्नता नहीं है। तुरंत घोड़ा निकालो, घोड़ा वो वाला नहीं। तत्पश्चात भगवान कृष्ण
उस ब्राह्मण से राज्य के राजाओं के विषय में जानना चाहते थे। भाई ठीक है, तुम्हारा कर्तव्य तो ठीक से चल रहा है, शांत चित्त भी है, लेकिन राजा ठीक है कि नहीं तुम्हारे क्षेत्र का? कुछ गड़बड़ हो तो फिर बताओ, फिर कमल की माला पहने और चले वहाँ। अरे वो कमल की माला तो अब पहननी पड़ेगी, अब शादी तो रुक्मिणी जी पहनाएंगी। तो तत्पश्चात भगवान कृष्ण उस ब्राह्मण के राज्य के राजाओं के विषय में जानना चाहते थे। अतः उन्होंने पूछा, क्या राज्य के सभी नागरिक प्रसन्न हैं? भगवान को देखो सबकी कितनी चिंता रहती है, नागरिकों की पूछ रहे हैं, नागरिक प्रसन्न है तो इसका मतलब राजा अच्छा है, बात ही खत्म। किसी राजा की योग्यता का मूल्यांकन उसकी प्रजा की दशा से किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में सबको घर और मिल रहा है। किसी राजा की योग्यता का मूल्यांकन उसकी प्रजा की दशा से किया जाता है। प्रजा सुखी माने राजा अच्छा। यदि वे सर्व प्रकार से प्रसन्न हो तो समझा जाता है कि राजा ईमानदार है। खाली अपने को कट्टर ईमानदार कहने वाला नहीं, वास्तव में ईमानदार है और अपना कर्तव्य उचित रूप से संपादन कर रहा है। श्री कृष्ण ने कहा कि जिस राजा के राज्य में नागरिक प्रसन्न होते हैं वह राजा उन्हें अत्यंत प्रिय है। कैसा राजा प्रिय है भगवान को? नागरिक प्रसन्न और राजा प्रिय। श्री कृष्ण समझ सकते थे कि वह एक गोपनीय संदेश लेकर के आया था, जानते हैं। अतः उन्होंने कहा, यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं आपको अनुमति देता हूँ, आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं अनुमति देता हूँ कि आप अपना यहाँ आने का उद्देश्य बताएं। भाषा की मधुरता देखिए। इस प्रकार भगवान के साथ इन दिव्य लीलाओं से अत्यंत संतुष्ट होकर, क्या दिव्य लीला, सेवा कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं कैसे सम्मान किया जाता है, तो इनको देख कौन रहा है? ये तो अकेले कमरे में ब्राह्मण के चरण दबा रहे हैं। इस साधवो हृदय महम सुखदेव गोस्वामी जैसे साधु, वो सबकी एंट्री है वहाँ पे, वो लीला नित्य लीला प्रविष्ट होकर के उन लीलाओं का दर्शन करके और परीक्षित के सामने वर्णन कर रहे हैं। और उनको भी कोई जल्दी नहीं है, ब्राह्मण आया है, बैठा है, कैसे बात हो रही है, पैर से ला रहे हैं, कर अरे भाई 7 दिन में मरने वाला हूँ। क्यों इतनी डिटेल पे जा रहे हो? कुछ बताओ, सीधे रासलीला सुनाना शुरू करो। नहीं, उनको भी कोई जल्दी नहीं, शांत चित्त है। तो आप उद्देश्य के बारे में बताएं। इस प्रकार भगवान के साथ इन दिव्य लीलाओं से संतुष्ट होकर ब्राह्मण ने श्री कृष्ण से भेंट करने आने के अपने प्रयोजन की पूरी कथा सुना दी। इसलिए आए हैं, उसने श्री कृष्ण के नाम रुक्मिणी जी का पत्र निकाला और कहा, ये राजकुमारी रुक्मिणी के शब्द हैं। भगवान ने कहा पढ़ो। अब ब्राह्मण ने पढ़ना शुरू किया। अब गर्लफ्रेंड लेटर लिख रही है और ब्राह्मण से पढ़वाया जा रहा है। प्रिय कृष्ण, हे अच्युत और त्रिभुवन सुंदर,
कोई भी मानव जो आपके दिव्य स्वरूप तथा लीलाओं के विषय में श्रवण करता है, वह तत्काल अपने कानों के द्वारा आपके ज्ञान, आपके यश तथा आपके गुणों में मग्न हो जाता है। हे श्री कृष्ण, प्रिय श्री कृष्ण, हे अच्युत, हे त्रिभुवन सुंदर, कोई भी मानव जो आपके दिव्य स्वरूप दिव्य लीलाओं के विषय में श्रवण करता है तो क्या हो जाता है, तत्काल उसको मग्न हो जाता है। कानों के द्वारा आपके ज्ञान, आपके यश और विषय में श्रवण करता है तो मग्न हो जाता है आपके गुणों में। इस प्रकार उसके सभी दुख शांत हो जाते हैं। आपकी लीला कथा गुणों में मग्न हुआ, बस सब दुख खत्म। और वह आपके स्वरूप को हृदय में स्थिर कर लेता है। सदा के लिए आपका स्वरूप हृदय में स्थिर हो जाता है। ये है भागवत कथा। सुनो भागवत, हृदय में कृष्ण स्थापित। सद्यो हृदय अवरुद्धते यत्र शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। तत्क्षणात्, देर नहीं लगती, बस सुनने की इच्छा डेवलप कर लो। आपके प्रति इस दिव्य प्रेम के माध्यम से वह अपने अंतस्थल में सदैव आपके दिव्य गुणों के विषय में श्रवण करता है। अंदर ही अंदर गुणों का स्मरण करता ही रहता है, करता ही रहता है। फिर वो उनके स्मरण के बिना रह नहीं सकता, क्योंकि मगन हो गया उसे। इतने प्रत्यक्ष रूप से आपकी भावाभिव्यक्ति करना, मतलब हम आपको लेटर लिख रहे हैं और आपके बारे में इतना क्लियरली बोलते चले जा रहे हैं कि आप क्या हो, इतने प्रत्यक्ष रूप में आपकी भावाभिव्यक्ति करना संभवतः मेरी निर्लज्जता मानी जाएगी। अब उनकी विनम्रता भी, भगवान का गुणगान करना निर्लज्जता है, लेकिन प्रेमी को पत्र लिख रही हैं, उसका गुणगान कर रही हैं, तो कह रही हैं कि निर्लज्जता है मेरी ये। किंतु आपने मेरा हृदय ले लिया है, अब क्या करूं मैं, अब तो मैं आपकी दासी हो चुकी। गुण सुन लिया ना आपका, आपने मेरा हृदय ले लिया है और मुझे मोहित कर लिया है। देखिए, संसार में इससे बढ़िया लेटर कोई है नहीं, इसलिए बहुत कंसंट्रेट होकर के रुक्मणी जी का पत्र श्रवण कीजिए। ब्राह्मण पढ़ रहा है, भगवान भी कोई ब्राह्मणों से वैष्णवों से भेद नहीं रखते, जानते हैं, अंदर समझ जाएगा। साधवो हृदयम मयम, मैं साधु की जैसे समझ लेता हूँ वैसे ये भी तो मेरी समझ लेगा, इसलिए पढ़वा ही लें तो क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पढ़ो। आपको संदेह हो सकता है कि मैं एक अल्प आयु की कुमारी कन्या हूं, अतः आप मेरी चरित्र दृढ़ता पर संदेह कर सकते हैं कि तुम कह तो रही हो कि मैं, मेरे हृदय को आपने ले लिया है, लेकिन तुम तो अभी मैच्योर ही कहां हो, कुमारी कन्या हो तुम तो, 12 से 14 साल की उम्र थी और विवाह के लिए इनवाइट कर रहे हैं कृष्ण को। कृष्ण को लेटर लिख करके कृष्ण को प्रसन्न कर रही हैं, अभी और मैच्योरिटी होती क्या चीज है, जो कृष्ण को प्रसन्न कर ले वही सबसे ज्यादा मैच्योर। लेकिन ये दयन्य है उनका। अतः आप मेरी चरित्र दृढ़ता पर संदेह कर सकते हैं,
किंतु प्रिय मुकुंद आप नृसिंह हैं, आप मानवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। घर से बाहर न गई हुई कोई कन्या अथवा सर्वोच्च पवित्रता वाली कोई भी स्त्री, एक कन्या जो घर से न निकली हो और सर्वोच्च पतिव्रता नारी कोई हो, अगर आपके बारे में सुन ले तो आपसे विवाह करने की कामना उसकी हो ही जाएगी। कोई भी पवित्र नारी अथवा कन्या आपके अभूतपूर्व चरित्र, ज्ञान, ऐश्वर्य और पद पर मोहित होकर आपसे विवाह करना चाहेगी, चाहे सती स्त्री हो और विवाहित हो, वो भी आपसे विवाह करना चाहेगी। मुझे ज्ञात है कि आप लक्ष्मीपति हैं और अपने भक्तों के प्रति अत्यंत कृपालु हैं, अतः मैंने आपकी नित्य दासी बनने का निश्चय कर लिया है। आप भक्तों के प्रति अत्यंत कृपालु हैं, आप लक्ष्मीपति हैं, अतः मैंने आपकी नित्य दासी बनने का निश्चय कर लिया है। प्रिय भगवान, मैं अपना जीवन आपके चरण कमलों में समर्पित करती हूँ। कथा सुनी, लेटर लिख दिया, समर्पित होती हूँ। मैंने आपको अपने निर्वाचित पति के रूप में स्वीकार कर लिया है, अतएव मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। हे कमल नयन, आप परम शक्तिमान हैं। अब मैं आपकी हो चुकी हूँ। आप परम शक्तिमान हैं और मैं आपकी हो चुकी हूँ। यदि सिंह का आहार सियार ले जाए तो अत्यंत ही असंगत होगा, अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसके पूर्व कि शिशुपाल और उसके समान अन्य राजा मुझे ले जाएं, आप तत्काल मेरा भार स्वीकार करें। मैं तो क्या सेवा कर पाऊंगी, भार बन के आपके पास रहूंगी, लेकिन मेरा भार स्वीकार कर लीजिए आप, क्योंकि मैं अब आपके सिवा रह नहीं सकती। प्रिय भगवान, अपने पूर्व जन्म में मैंने कुएं बनवाने और वृक्ष लगाने जैसे कुछ जन कल्याण के कार्य किए होंगे अथवा अनुष्ठान, यज्ञ, गुरु, ब्राह्मण तथा वैष्णवों की सेवा आदि की होगी। संभवतः अपने इन कार्यों द्वारा मैंने भगवान श्री नारायण को प्रसन्न किया होगा। यदि ऐसा है तो हे बलराम के भ्राता भगवान कृष्ण, मेरी कामना है कि आप यहाँ आकर मुझसे पाणी ग्रहण कर लें, मुझसे पाणी ग्रहण कर लें। वही घर वाले तो दे नहीं रहे मेरा पाणी आपको, पाणी माने हाथ, मुझसे पाणी ग्रहण कर लें, हम ही आपको दान कर दे रहे हैं अपना। हर व्यक्ति को समर्पण तो खुद ही करना होता है ना। मेरी कामना है कि आप यहाँ आज आकर मुझसे पाणी ग्रहण करें, जिससे कि शिशुपाल और उसके साथी मेरा स्पर्श भी ना कर पाए। शिशुपाल के साथ रुक्मणी का विवाह पहले से ही निश्चित हो चुका था,
अतएव रुक्मणी ने सुझाव दिया कि श्री कृष्ण उसका हरण कर लें, जिससे इस व्यवस्था में परिवर्तन हो सके, क्योंकि यहां सब फिक्स लगा पड़ा है मैटर। इस प्रकार विवाह जिसमें कन्या का बलपूर्वक हरण किया जाता है राक्षस विवाह के नाम से प्रसिद्ध है। यह विवाह क्षत्रिय प्रशासकों अथवा सैन्य प्रवृत्ति के लोगों में प्रचलित है। कौन बातें कर रहा है? बातें करनी बाहर जाओ, कोई भी बोलेगा नहीं यहां। यह विवाह क्षत्रियों प्रशासकों अथवा सैन्य प्रवृत्ति के लोगों में प्रचलित है। क्योंकि रुक्मणी जी का विवाह अगले दिन होना निश्चित हो चुका था, अगले दिन, अतएव उन्होंने सुझाव दिया कि श्री कृष्ण अज्ञात रूप से वहां आकर उसका हरण कर लें। आप कोई जानने न पाए, बस आप आ जाओ और हमको लेके चले जाओ, मेरे हाथ से अपना हाथ खुद ही ग्रहण कर लो, मेरे द्वारा पाणी ग्रहण कर लो। अज्ञात रूप से आकर के हमारा हरण कर लो। और तदनंतर वे शिशुपाल तथा मगध राज के समान उनके मित्रों से युद्ध करें। इसलिए कहा था कि सर्वशक्तिमान हैं आप, और सिंह का शिकार जो है वो सियार न ले जाने पाए। यह जानते हुए कि कोई भी श्री कृष्ण पर विजय नहीं पा सकता और वे निश्चित रूप से विजयी होंगे, रुक्मणी जी ने कृष्ण को अजित कहकर संबोधित किया, जिसका अर्थ है जो अजेय है। रुक्मणी ने श्री कृष्ण को सूचित किया कि वे इस संबंध में चिंतित न हों कि दूसरी स्त्रियों सहित उनके परिवार के अनेक सदस्य हताहत होंगे। वह युद्ध होगा तो बहुत लोग मरेंगे, मेरी फैमिली के लोग मरेंगे, इसकी चिंता आप छोड़ दो, मारो मेरी फैमिली वालों को, लेकिन तुम तो हमसे शादी करो। ये भी कह रही है। रुक्मणी ने श्री कृष्ण को सूचित किया कि वे इस संबंध में चिंतित ना हो कि दूसरी स्त्रियों सहित उसके परिवार के अनेक सदस्य हताहत होंगे। ये होता है सरेंडर। कुछ भी हो जाए हमको सरेंडर करना है, फिर चाहे कुछ भी पीछे होता रहे हमको क्या मतलब। यदि महल में युद्ध होता यहीं शुरू हो जाता, भाई उनका कोई भरोसा असुरों का जो भगवान से ईर्ष्या करने वाले लोग हैं। यदि महल में युद्ध होता तो स्त्रियों और अन्य व्यक्तियों के आहत होने और उनका वध होने की संभावना भी थी, स्त्रियां भी मर सकती थी, वही तीर अंधाधुंध चलना शुरू हो जाएंगे। जिस प्रकार किसी देश का राजा कूटनीतिक विधि से अपना उद्देश्य प्राप्त करने का विचार करता है, ये रुक्मणी की कूटनीति, कुछ हो जाए तुम बिल्कुल चिंता ना करो, मेरा बस हरण करो, हम एकदम तैयार बैठे हैं तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए, आ जाओ और ले चलो। तो राज परिवार की हैं तो कूटनीति सब जानती हैं क्या क्या हो सकता है परिणाम। उसी भांति राजा की पुत्री होने के कारण रुक्मणी जी ने भी कूटनीति से कार्य लेते हुए इस अनावश्यक और अवांछनीय वध को हो जाने दो, इसकी अनुमति कृष्ण ने दी। उन्होंने स्पष्ट किया। तो हरण करने का जो आइडिया था उसमें अगर हरण करके और लेके भाग चले तो तैयार बैठी हुई है, तो फिर हो सकता है युद्ध ना भी हो। अरे वो तो भाग गया, पकड़ी में नहीं आया, जैसे काल्यवन की पकड़ में नहीं आया था ऐसे इनकी भी पकड़ में नहीं आएगा, तो क्या कर लेंगे, तब तो युद्ध भी नहीं होगा। तो अनावश्यक वध टाला जा सकता है इस तरह से भाग जाने पर,
लेकिन अगर अनावश्यक युद्ध होता भी है तो संकोच छोड़ करके कर दीजिएगा। स्त्रियां मरे, चाहे बाप मरे, चाहे भाई मरे, कोई लेना देना नहीं है, हमको बस कृष्ण के चरण कमल चाहिए। हम आपकी दासी हो गए, आपने मेरा हृदय ले लिया, मैं बस समर्पित हूँ आपके प्रति। आइए मेरा हाथ पकड़िए। हरि बोल। ये लोग हमको टच ना करने पाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी विवाह के पूर्व उनके परिवार में कुल देवी दुर्गा के मंदिर में जाने की रीति है। अधिकतर क्षत्रिय राजा कट्टर वैष्णव थे। अब ध्यान से सुनिए, देवताओं की पूजा के विषय में आ रहा है कि रुक्मिणी जी ने भी की तो क्यों की। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी विवाह के पूर्व उनके परिवार में कुल देवी दुर्गा के मंदिर में जाने की रीति है। अधिकतर क्षत्रिय राजा क्या थे? कट्टर वैष्णव थे। कट्टर वैष्णव वे राधा कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण के रूप में भगवान विष्णु के पूजक थे, किंतु अपने लौकिक कल्याण के लिए, ध्यान से सुनिए, अपने लौकिक कल्याण के लिए वे भगवती दुर्गा की उपासना करते थे। लौकिक कल्याण का, अब रुक्मणी है, बेटी है, उसका कल्याण हो, दुर्गा देवी से कह रहे हैं। क्यों कृष्ण को तकलीफ दें जब ये देवता काम कर सकते हैं? जो काम देवता कर सकते हैं तो रुक्मणी की सेवा में देवता भी लग जाएं। रुक्मणी की सेवा में देवताओं को लगा रहे हैं कौन? उनके पिताजी भीष्मक। ये देव दुर्गा जी की उपासना हो रही है कि लौकिक कल्याण के लिए कृष्ण से क्यों कहें? विष्णु के कट्टर वैष्णव हैं लेकिन विष्णु से नहीं कहते, देवताओं से कहते। अपने लौकिक कल्याण के लिए वे भगवती दुर्गा की उपासना करते हैं। और इस संसार के लोग दुर्गा की उपासना क्यों करते हैं? कामय स्थय स्थिर हृत ज्ञाना, ठीक है, कामनाओं से चित्त जिनका ज्ञान हरण हो चुका है वो जाते हैं देवताओं की पूजा करने के लिए। यहाँ क्या कामना है? कि ये कृष्ण की अमानत है, इसकी ये स्वस्थ रहे और इसकी सुंदरता बनी रहे और ये सब देवता लोग आशीर्वाद इसको देते रहें तो ये काम होता रहे, तो देवता इनकी सेवा करके उनका भी कल्याण होगा और मेरी बेटी का भी कल्याण होगा और भगवान को कष्ट भी नहीं देना पड़ा कि भगवान से कुछ मांगा जाए, क्योंकि कट्टर वैष्णव है, भगवान से मांगेंगे नहीं। अपने लौकिक कल्याण के लिए वे भगवती दुर्गा की उपासना करते थे। वे कुछ अल्प बुद्धि मनुष्यों के समान देवताओं को परम ईश्वर समझने की अथवा विष्णु तत्व के बराबर समझने की भूल कभी नहीं करते, ठीक है। देवताओं को भगवान मान करके पूजा नहीं करते कट्टर वैष्णव लोग, और न तो उनको बराबर समझ करके करते हैं, कभी भूल नहीं करते। वे अपने संबंधियों के अनावश्यक वध को टालने के लिए रुक्मणी ने सुझाव दिया कि महल से मंदिर जाते हुए अथवा घर वापस लौटते हुए उनका हरण करना श्री कृष्ण के लिए सर्वाधिक सरल होगा। आप हरण करो लेकिन उसमें भी आपको कष्ट ना हो, हरण करने में सबसे इजी यही है, ये लोग हमको दुर्गा मंदिर ले जाएंगे और फिर जब वहाँ से लौट रहे हो या जाते समय जब भी आप आ जाएं चल देंगे आपके साथ। रुक्मणी ने यह भी स्पष्ट किया कि श्री कृष्ण से विवाह के लिए वे इतनी अधीर क्यों हैं, जबकि उनका विवाह शिशुपाल से होने वाला था जो स्वयं भी एक महान राजा था।
भाई एक राजा से करो नहीं, दूसरे राजा से करो। और शिशुपाल का ऐश्वर्य भी भगवान के समान था, है ना? रुक्मणी ने कहा कि उसके विचार में श्री कृष्ण से महान और कोई नहीं है, शिव भी नहीं, जो देवताओं में श्रेष्ठ हैं और महादेव के नाम से विख्यात हैं। भौतिक जगत में तमोगुण के बंधन से आत्मशुद्धि के लिए शिव भी भगवान श्री कृष्ण के का अनुग्रह प्राप्त करना चाहते हैं। भाई तमोगुण के अधिष्ठाता हैं, भूत प्रेत पिशाच सब उनके गण हैं, तो वो भी अपनी शुद्धि के लिए भगवान का नाम जपते हैं। यह तथ्य है कि शिव जी सभी महात्माओं में महानतम हैं, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से निकलने वाले शुद्धि कारक गंगा जल को वे अपने सिर पर धारण करते हैं। चरणों से निकलने वाले जल को सिर पर रखते हैं, क्यों? अपने शुद्धिकरण के लिए। तो शिव भी आपके बराबर महान नहीं है। शिव जी तमोगुण के अधिष्ठाता हैं और अपने को दिव्य स्थिति में अवस्थित रखने के लिए वे सदैव भगवान विष्णु का ध्यान करते रहते हैं, कैलाश पर बैठ करके भगवान के ध्यान में मगन। अतएव रुक्मणी जी को भली भांति ज्ञात था कि श्री कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त करना कोई सरल कार्य नहीं था। शिव जी भी लालायित रहते हैं। यदि कोई इस प्रयोजन के लिए शिव को भी शुद्धिकरण की आवश्यकता पड़ती है, तब तो रुक्मणी जी के लिए यह कार्य कठिन ही होगा। रुक्मणी तो ये सोचती हैं शिव जी तो बहुत महान है, उनकी पत्नी दुर्गा की उपासना करने जा रही हैं, तो मेरे लिए कितना कठिन है, क्योंकि वह तो एक क्षत्रिय राजा की कन्या मात्र हैं और शिव जी तो परम योगी हैं। इस प्रकार वे उपवास तथा शरीर सुख का त्याग जैसे कठोर आत्मसंयम तथा तपस्या के पालन के लिए अपना जीवन समर्पित कर देना चाहती थी। वे उपवास शारीरिक सुख तथा त्याग जैसे कठोर आत्मसंयम तथा तपस्या के पालन द्वारा अपना जीवन समर्पित कर देना चाहती थी। रुक्मणी ने लिखा था, भागवत में लिखा है कि उन्होंने कहा था कि आपसे विवाह नहीं हुआ तो जन्म जन्मांतर में उपवास कर करके इस देह को त्यागती रहूंगी जब तक आपकी पत्नी नहीं बन जाऊंगी, मैं देह रखूंगी नहीं। शिशुपाल विवाह करके ले जाएगा लेकिन हम प्राण त्याग देंगे। यदि इन कार्यों द्वारा श्री कृष्ण का अनुग्रह इस जीवन में प्राप्त होना संभव नहीं तो वे जन्म जन्मांतर तक यही कार्य करने के लिए तैयार थे। हर जन्म में उपवास कर करके और हम प्राण त्याग देंगे जब तक आप नहीं मिल जाओगे। भगवत गीता में कहा गया है कि शुद्ध भक्त दृढ़ निश्चय के साथ भगवान की भक्ति करते हैं। शुद्ध भक्त दृढ़ निश्चय के साथ भगवान की भक्ति करते हैं। रुक्मणी देवी द्वारा प्रदर्शित यह दृढ़ निश्चय ही श्री कृष्ण का अनुग्रह क्रय करने का एकमात्र मूल्य है। दृढ़ निश्चय से ही कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त किया जा सकता है। अगर हमारे निश्चय में कमी है तो फिर अनुग्रह भूल जाओ। दृढ़ निश्चय चाहिए, अनुग्रह मिलेगा। भगवत गीता में कहा गया है कि शुद्ध भक्त दृढ़ निश्चय के साथ भगवान की भक्ति करते हैं। ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। रुक्मणी देवी द्वारा प्रदर्शित यह दृढ़ निश्चय ही श्री कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त करने का एकमात्र मूल्य है। एक जन्म थोड़ी, जन्म जन्मांतर के लिए तैयार है। क्या करके? उपवास कर करके जीवन देने के लिए। यह दृढ़ निश्चय ही कृष्ण भक्ति में परम सफलता का
एकमात्र मार्ग है, एक रास्ता है बस भक्ति में सफलता का, दृढ़ निश्चय। रुक्मिणी देवी का कथन, ऐसा रुक्मिणी जैसा निश्चय हमको करना ही है। रुक्मिणी देवी का कथन श्री कृष्ण के सम्मुख स्पष्ट करने के उपरांत ब्राह्मण ने कहा, हे यदुकुल भूषण श्री कृष्ण, मैं रुक्मिणी देवी का यह गोपनीय संदेश आपके लिए लाया हूं। अब यह आपके सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत है। अब आप विचार करिए क्या करना है। उचित विचार करने के पश्चात आप अपनी रुचि के अनुकूल कार्य कर सकते हैं। यदि रोचते, आपकी रुचि जैसी हो वैसा करिए आप। ये नहीं कि अब जल्दी चलिए, भगवान को आदेश कैसे देंगे, जल्दी चलिए। अब आपके सामने विचार के लिए रख दिया है लेटर, अब आप जो ठीक समझे करें। किंतु यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो उसे तत्काल कीजिए, जल्दी करिए। कि पता लगा आप करना भी चाहते हैं और वहाँ पर शादी हो गई, अरे अब तो शादी हो गई, अब क्या करें। करिए तत्काल, रुक्मिणी से प्रेम के कारण ये बोल गए आखिर। रुक्मिणी देवी से प्रेम है ना, कि कहीं उसका विवाह ना हो जाए, ये भय अंदर व्याप्त है ब्राह्मण के। अब कार्य करने के लिए अधिक समय शेष नहीं है। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। अब ये लेटर तो आ गया, कृष्ण विचार करेंगे और कल देखिए क्या एक्शन लेते हैं। तो उनका एक्शन देखने के लिए कल उपस्थित हो जाइए। हरे कृष्ण निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे, निताई गौर प्रेमानंदे, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।